हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, जब आप बिट लॉकर ऑन करते हो तो आपके सामने एक एरर मैसेज आ जाता है कि स्टार्टिंग बिट लॉकर, दिस डिवाइस कैन नॉट यूज ए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, योर एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी सेट पे अलाउ बिट लॉकर विदाउट ए कंपेटिबिलिटी PM ऑप्शन इन रिक्वायरमेंट एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप पॉलिसी फॉर OS वॉल्यूम्स। ठीक है, तो जब आप बिट लॉकर ऑन करने के लिए जाते हो तो आपके सामने ये एरर मैसेज आ जाता है कि आपको ये पहले ये एरर है जो उसको फिक्स करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एरर कैसे फिक्स करना है ये बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर जो ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर रन बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है gpedit.msc। तो आपको यहाँ पर ये टाइप करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये ग्रुप पॉलिसी का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक एरो का साइन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर जाना है, इसको भी एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बिट लॉकर पर जाना है। बिट लॉकर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है आपको यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिक्वायर एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, नॉट कॉन्फिगर्ड, इनेबल्ड एंड डिसेबल्ड। तो आपको क्या करना है, ये सेंटर वाला जो इनेबल्ड बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये सेटिंग्स इनेबल हो जाएगा, जो आपको TPM का एरर आ रहा था वो यहाँ पर आपको अभी आएगा नहीं, ये इनेबल करने के बाद। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको कर देंगे बंद। यहाँ पर आपको वापस आपके जो सिस्टम है बिट लॉकर के अंदर जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रन के अंदर जाना है और यहाँ पर कंट्रोल टाइप करेंगे। ओके, और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी पेज पर क्लिक करना है, टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पर बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बिट लॉकर ऑन आपको ऑन करना है, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर वो एरर जो हम लोगों को स्टार्टिंग में आ रहा था वो नहीं आया है, और यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट, और यहाँ पर आपका जो बिट लॉकर है वो ऑन हो जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो बिट लॉकर है यहाँ पर ऑन मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको एंटर ए पासवर्ड पर क्लिक करना है, इसके बाद एंटर पासवर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो आपका सिस्टम का पासवर्ड है वो डाल देना है आपको। ओके, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। योर पासवर्ड मेड टू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पर आपको ऐसा पासवर्ड सेट करना है, कोई भी पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं एक पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर भी, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव टू फाइल पर क्लिक कर देना है, सेव टू फाइल पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर सेव करने के लिए जाते हो तो आपको एक एरर आ जाता है, दिस लोकेशन कैन नॉट यूज, योर रिकवरी की कैन नॉट बी सेव्ड इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ नॉन रिमूवेबल ड्राइव, चूज ए डिफरेंट लोकेशन। तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको आपका जो USB है, जो पेन ड्राइव है, वो आपके सिस्टम के साथ अटैच कर दीजिए। जैसे कि मैं जो पेन ड्राइव है मैं सिस्टम के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि मैंने एक USB कनेक्ट कर दिया है सिस्टम के साथ। अभी यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा और जो मेरी पेन ड्राइव है उसके अंदर जाके मैं इसको कॉपी कर दूंगा।
ठीक है, यहाँ पर ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स इधर आपका जो सिस्टम है, यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर बिट लॉकर ऑन हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर प्लीज़। थैंक यू सो मच।